हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया शेयर और जिसने काफी मिस तेजी दिखाई ऊपर की तरफ। और अभी जैसे आईटी के सेक्टर में ही पूरा करेक्शन चल रहा है, तो ये जो स्टॉक है ये भी करेक्शन है। अब दोस्तों इसको लेकर है ना, एक बहुत ही न्यूज हमेशा चर्चा में रहती है। मैंने इसके ऊपर दो वीडियो बनाया, एएसएम लिस्ट में है। अगर इसके ऊपर, पहले मैं बता दूं, अगर हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर डिटेल वीडियो, एएसएम लिस्ट क्या होती है, हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है और कंपनी कैसी है, पूरा ओवरऑल व्यू चाहिए, ऊपर कार्ड बटन में वीडियो आ जाएगा। उसे आप देख लो, आपको पूरा हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका बिजनेस क्या है, फंडामेंटल क्या है और क्या है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब एक बहुत ही आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊंगा इस वीडियो में। हम टारगेट भी गए, अभी मैं पहले बता देता हूं इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। एक तो सबसे पहला हैप्पीएस्ट माइंड का Q3 का रिजल्ट आ गया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड हम डिस्कशन करेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो एएसएम लिस्ट में था Stage 4 में, ये Stage 3 में आ गया। ये मैं आपको एक हैप्पी न्यूज दे रहा हूं, ये Stage 3 में आ गया, जो आपको मंडे से कमिंग सेशन में इफेक्ट दिखेगा और हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड इसमें, हैप्पीएस्ट माइंड में अच्छी आपको मूव दिखे, ठीक है। थर्ड हम हैप्पीएस्ट माइंड की जो लेटेस्ट प्राइसिंग में क्या हुआ प्रीवियस फ्राइडे के सेशन में, वो हम देखेंगे। फोर्थ हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर से इसका एक टारगेट एनालिसिस करेंगे। और पांचवा मैं बताऊंगा जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उन्हें क्या करना चाहिए, कहां खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। डिटेल वीडियो होगा, जैसे कि हमेशा कहता हूं मैं छोटे वीडियो बनाने में विश्वास नहीं करता, मेरे वीडियो का लेंथ मेरे कंटेंट के हिसाब से होता है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन देना उतना मुझे देना ही है, ओके। चलिए पहले तो एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो प्रीवियस सेशन में जो पिछला फ्राइडे, जो हमारा फ्राइडे गया है, उसमें ये स्टॉक ओपन हुआ 1100 के और क्लोजिंग देखो इसकी आई है 1.67% की, 1143% जो इसकी क्लोजिंग आई है इसकी, ठीक है। अब जो इसका जो क्वार्टरली अपना जो रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्लोज हुआ 1143 पे ये। अब सीधा आते हैं दोस्तों, मैं आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाता हूं इसके। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, यहां आप देख सकते हैं हमें ईयर ऑन ईयर पहले कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 को दिसंबर 2020 से, ये ईयर ऑन ईयर आपका हो गया। फिर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 को प्रीवियस सितंबर 2021 से, इससे हम एनालिसिस करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी पे है हम यहां पे, ओके, दिखाता हूं मैं आपको। स्मॉल कैप का शेयर है दोस्तों, लेकिन बहुत ही बढ़िया है, इसका फ्यूचर है। आगे आएंगे हम screener.in पे, सबका फेवरेट मेजरली वेबसाइट्स इंडियंस का। दिसंबर 2021 में ये क्रोर्स में है नंबर, जो इसकी रेवेन्यू आई, सेल्स रेवेन्यू जो 266 करोड़ की, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं पिछले दिसंबर 2020 से जो 193 करोड़ थी, मीन अच्छा जंप है यहां पे, ओके, 193 करोड़ से 266 करोड़ का रेवेन्यू। अब अगर इसे क्वार्टर एंड क्वार्टर हम देखें तो 250 करोड़ की रेवेन्यू थी, सेल्स थी सितंबर 2021 में, और ये 16 करोड़ बढ़ के 266 करोड़ से दिसंबर 2020। तो सेल्स में तो ये ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ग्रोथ है। दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी हो रही है, तो उसके लिए माफ करना। अब आते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे। अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखू दो ईयर ऑन ईयर 45 करोड़ अभी है दिसंबर 2021 का, और दिसंबर 2020 में 42 करोड़ था, तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल जंप नहीं बोलूंगा, लेकिन मार्केट की कंडीशंस देख के बहुत से शेयर्स में अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं तो उससे नेट प्रॉफिट कट गया है, तो मुझे ये अच्छा ग्रोथ लगता है नेट प्रॉफिट में, ठीक ग्रोथ है। अगर इसे सितंबर 2021 और अभी कंपेयर करें तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है 44 और 45, जो कि आपको ईपीएस में भी देखने मिलेगा। दिसंबर 2020 का जो ईयर ऑन ईयर ईपीएस था 2.87 था और अभी 3.05 है, नेट प्रॉफिट और सेल्स आपका बढ़ता है तो आपको ईपीएस भी मिलेगा। अब थोड़ा सा नजर दोस्तों एक्सपांसेस पे जाते हैं। अभी आपने जितना भी क्वार्टरली रिजल्ट देखा होगा मेजरली कंपनी का, बहुत सी कंपनियों का नेट प्रॉफिट
उनके एस्टीमेट के हिसाब से नहीं आया मार्केट के, ये एक्सपांसेस के वजह से हुआ है। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जितनी थी उनको इन्फ्लेशन रेट, मटेरियल प्राइसिंग के वजह से बहुत मार पड़ी है। अगर हम यहां पे देखें तो दिसंबर 2020 में इनका जो एक्सपांस था, देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, आईटी कंपनी है, तो इनका जो भी कॉस्ट है एम्प्लॉई पे जाता है, इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, इनके आईटी इंजीनियर्स होंगे, मैनेजमेंट एडमिन होंगे, उस पे जाएगा। 57% का इनका एक्सपांस कॉस्ट था, एम्प्लॉई कॉस्ट, और अभी वो 60% हो गया है। आप देखेंगे अगर दिसंबर 2020 से अभी तक ये बड़ा है। अगर हम पीछे जाते हैं, देखिए हरे हमेशा डेटा है ना, थोड़ा कंपेरिजन करो, जब दे लिस्टिंग हुआ था वहां से 62, 65, 67 और यहां कम हो गया था, फिर ये 61 पे सितंबर 2020 तक रहा, फिर दिसंबर 20 में इसने पिछले जितने एक्सपांस थे उनको काट के काफी कम कर दिया। अगर हाईएस्ट एक्सपांस हम देखें 67% का एक्सपांस था, तो यह 10% इसने कम कर दिया। तो 10% इसने जो एवरेज मार्च 2020 से अभी तक था दिसंबर तक, वहां उड़ा दिया इसने। अब देखिए यहां पे ना एक चीजों को आपको समझना है, मैं भी खुद एक आईटी इंजीनियर हूं, मेरा खुद का भी एजेंसी है, तो आपको एक डिटेल में बताऊंगा। एम्प्लॉई कॉस्ट ना क्या हुआ है यहां पे, जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन इसके अंदर आईटी कंपनीज को काफी बेनिफिट हुआ है। कैसे मैं बताता हूं, जो आपका जो कंपनी का जो लोकेशन कॉस्ट होता है सब वो बच गया। लेकिन क्या हुआ है इस वक्त में ना, आईटी इंजीनियर्स की सैलरीज भी बढ़ाई गई है वर्क फ्रॉम होम करके, आईटी इंजीनियर्स को काफी फायदा हुआ है इसमें। तो हो सकता है कंपनी में जो सैलरीज है वो बढ़ा है और कंपनी ने और हायर किया है वर्क फ्रॉम होम होने से, मैनेजमेंट करने से। तो मुझे जहां तक ये मेरा अजम्पशन है, मुझे जहां तक लगता है वहां पे इनका एम्प्लॉई कॉस्ट, यहां पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 2-3% का, ये वो डिफरेंस हो सकता है। बाकी और भी कुछ इसमें एडिशनल चीजें हो सकती है। तो जब यहां एक्सपांस बढ़ा है दोस्तों यहां पे 3% का, तो ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट का जो थोड़ा नंबर है वो कम आएगा यहां पे, लेकिन कंपनी पिछले नेट प्रॉफिट से ग्रोथ में है। बहुत सी कंपनीज को आप देखो तो उसमें मार पड़ी है एक्सपांस की वजह से, लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा ये एक डिसेंट नंबर है मार्केट कंडीशन को देखते हुए। मेरे वर्ड्स को समझिए, मार्केट कंडीशन को देखते हुए, अगर ये मार्केट कंडीशन ऐसा नहीं होता तो मैं कहता कि ये नंबर अच्छा नहीं है। ओके, ये क्वार्टर थ्री का मैंने रिजल्ट आपको बता दिया यहां पे। कंपनी अगर यहां मैं देखू ना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी जो है ये लगातार हाईएस्ट रिजल्ट भी पोस्ट किया है सेल्स में, और अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखो तो हाईएस्ट एवर है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, कंसिस्टेंसी हैप्पीएस्ट माइंड ने मेंटेन रखा है। ये हो गया। अब मैंने जैसे आप लोग, बहुत लोगों को इंतजार होगा, ये एएसएम लिस्ट में था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी। अगर आप अभी भी आप गूगल पे अगर सर्च करोगे, देखिए मैंने सर्च करके रखा है, तो गूगल आपको दिखाएगा स्टेज फोर गूगल आपको, लेकिन आपको बीएससी की वेबसाइट पे आना है। इनकी वेबसाइट में एक बहुत अच्छा चीज है, टिकर डाल के रखा है ये लोग ने, हैप्पीएस्ट माइंड सर्च करो। ओके, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूं, एक सेकेंड रुकिए, मैं जरा मेरे लैपटॉप में भी देख लेता हूं इस जगह पे। ओके, देखिए यहां ये शायद अपडेट नहीं हुआ है, यहां पे स्टेज फोर ही दिखा रहा है यहां पे डेटा, लेकिन ये स्टेज थ्री में आ गया है दोस्तों। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, एक स्क्रीनशॉट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देखना। यहां पे ये प्रॉपर दिखा नहीं रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का यहां पे, लेकिन ये स्टेज थ्री में आया है, बीएससी की वेबसाइट पे लिस्ट हुआ था। अब ये स्टेज फोर क्यों दिखा रहा है ये देखने होगा, मंडे को पता चल जाएगा हम लोगों को। ओके, अब आते हैं टेक्निकल चार्ट पे। यहां पे टेक्निकल चार्ट में हम देखेंगे इस जगह पे कि इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहला दोस्तों, ये मूविंग एवरेज 200 के डे के नीचे चल रहा है, तो मेरा जो एक, मेरे जो बहुत सारे मेथड्स है बाय करने के सेल, उसमें से एक ये भी है, अच्छा स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के पास है या नीचे है, तो मैं उसे बाय कर लेता हूं, मैं ज्यादा लालच नहीं करता। अब इसे हम देखते हैं, इसके ये हाई से कितने करेक्शन पे है ये, तो ये अराउंड 27.88 करेक्शन में, मोस्टली जितने स्टॉक है वो सब 27-30% करेक्शन पे, जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, कुछ तो लार्ज कैप भी इतने करेक्शन पे। तो अब सवाल आता है दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं बता रहा हूं, और जो एग्जिस्टिंग है जो भी परचेस करना चाहते, क्या इस लेवल पे बाय करना चाहिए? दोस्तों मैं तो कहूंगा बिल्कुल, ये मेरी
सजेशन है, जिनको बाय करना है वो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते बाय। अगर इसके नीचे जाता है, देखिए ये जो एक है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट भी है इस जगह पे। देखो यहां से ना इसने एक ब्रेकआउट दिया था, यहीं से इसने बाउंस बैक भी लिया। देखिए टेक्निकल एनालिसिस ना बहुत जबरदस्त चीज है, यहां से इसने बाउंस बैक। अब इसके बाद अगर ये फॉल होता है, बहुत लोग अगर को लगता है कि ये और गिरेगा, तो ये मुझे एक इसका मेजर सपोर्ट लगता है 938 का, जो कि मुझे नहीं लगता, देखिए कुछ भी हो सकता है, इसका क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा है, मुझे नहीं लगता यहां तक पहुंचेगा। अगर पहुंच गया तो क्या करना चाहिए, मैं तो इसे हर डिप पे खरीदूंगा। मेरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी होगी, अभी जो भाव है इस पे मैं कुछ पैसा लगा दूं, अगर नीचे जाता है मैं इस पे और पैसा लगा दूं, डिप होएगा तो मैं और खरीदूंगा, और अगर ये ऊपर चढ़ता ही जाता है तो मैं इसे एसआईपी के फॉर्म में तो वैसे भी खरीद रहा हूं। अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं 2,000 डालूंगा, फिर डिप हुआ 2,000 डालूंगा, अगर नहीं हुआ ऊपर जा रहा है और 2,000 डालूंगा, इससे मेरा जो अपना लेवल है वो एवरेज होता रहेगा। आप ना बॉटम पकड़ सकते हो किसी स्टॉक का, कभी भी बॉटम पकड़ने की आप कोशिश करोगे तो आप कोई भी स्टॉक बाय नहीं कर पाओगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और जो भी पड़ जाए, और ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है कंपनी बहुत अच्छी है, होल्ड करके रखो, बढ़िया रिटर्न मिलेगा इसके ऊपर, और परचेस करना चाहे तो सेम मेथड जो मैंने बताया उसके हिसाब से परचेस। अब ये हम निकाल देते हैं। अब इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के इसका हम टारगेट निकालेंगे, ओके? तो जो इसका टारगेट आ रहा है वो 1994-2671-3348-3761, जो मेजर टारगेट आ रहा है वो पहला जो लाइफ टाइम हाई है उसका उसको, और उसके बाद 2000 के आसपास का 994, उसके बाद तो 2000, बहुत ही बड़े टारगेट आ रहे हैं, डबल से भी ज्यादा के। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ये 2000 प्लस जाएगा ये स्टॉक, और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है, उसके ऊपर भी जाएगा और आप लोगों को इसमें बड़े बड़े लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो स्मॉल कैप का स्टॉक है, मुझे लगता है इसी तरह परफॉर्म करता रहा मिड कैप में आ जाएगा। जिस दिन ये मिड कैप में आ गया दोस्तों, आपके पकड़ में नहीं आएगा, और हैप्पीएस्ट माइंड को मुझे देखते हुए इसी तरह ये चलता रहा, इसका बिजनेस चलता रहा, तो ये मुझे एक लार्ज कैप स्टॉक दिखता है मेरे को, ओके? लेवल भी आपको बता दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आपको बता दिया, स्टेज थ्री का जो है मैंने अभी देखा था वेबसाइट के ऊपर, स्टेज थ्री दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन अभी इन लोगों ने यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही काफी लेट अपडेट हो रहा है मेरी इसके ऊपर। अगर हम देखेंगे तो इसको मैं मेरे लैपटॉप पे फिर से एक बार देख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग मंडे को एक बार चेक करना। मुझे जहां तक लगता है ये स्टेज फोर से निकल गया है, स्टेज थ्री में आ गया है, बहुत ही बढ़िया न्यूज होगी, मंडे को इसका जरूर इफेक्ट देखने मिलेगा दोस्तों। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, मैं मोस्टली हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ। और लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, चैनल पे और भी वीडियो है उसे देखो, लर्न करो, खुद का एनालिसिस करो, आपको बहुत फायदा होगा। सबके की सबकी सुनो, मेरी भी सुनो, अंडरस्टैंड करो, खुद सीखो तो आप लोगों को कन्विक्शन आएगा, आप लोग कभी डरेंगे नहीं कोई भी फॉल या करेक्शन में, आपको पता होगा आपने जो स्टॉक लिया है वो कितना अच्छा है, कहां तक जा सकता है। होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।